ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਫਲਾਈਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋਤ ਟੀਵੀ जिस इंसान नूं ज्यादा पसीना आउंदा है वह इंसान उन्ना ज्यादा ईमानदार हुंदा है। तुहानूं भी लगदा होवेगा कि यह कोई सेंस तां नहीं बन रही, पर यह बिल्कुल सच है। यह तुहाडे हारमोन के उपर निर्भर करता है। जेकर तुहाडे विच इमोशनल होने वाले हारमोन ज्यादा नहीं तां तुहानूं पसीना ज्यादा आवेगा। हुण जदों साडे सट लग जांदी है असीं बैंडेज लगाउने हां, पर पहलां दे समें दे विच अजिहा नहीं हुंदा सी। पर पहलां जदों बैंडेज नहीं हुंदे सन उदों लोकां दे सट लग जांदी सी तां उह अपनी सट दे उपर मकड़ी दे जाले नूं बन्नदे सन, क्योंकि एक तां इह बहुत ज़्यादा साफ हुंदे ने ते दूजा इह बैंडेज दी तरह सट दे उपर आले दुआले चंगी तरह दे नाल चिंबड़ जां कहीए जुड़ जांदे ने। इस दे नाल सट भी जल्दी ठीक हो जांदी है। जिहड़ा आदमी जिद्दां दा म्यूजिक जां कहीए संगीत सुणदा है, तुसीं उस नूं देख के उस आदमी की पहचान कर सकते हो कि उसका सुभाव किदां दा है। जिवें कि जिहड़े इंसान नूं ज़्यादा तड़क भड़क वाले गाने पसंद होणगे उह इंसान ज़्यादातर खुले दिल दे हुंदे हन, ते जिहड़े इंसान नूं शांत म्यूजिक वाले गाने पसंद होणगे उह इंसान हमेशा कल्ले रहिण दा आदी होवेगा। की तुहानूं पता है कि माउंट एवरेस्ट के उपर भी हाई स्पीड इंटरनेट चलता है? 2014 तो बाद नेपाल की सरकार ने माउंट एवरेस्ट के उपर हाई स्पीड इंटरनेट चला दिता है। यह माउंट एवरेस्ट के पूरे सिरे तक तो नहीं चलता, पर उसके तकरीबन अध तो ज़्यादा पार्ट तक उत्थे हाई स्पीड इंटरनेट चलता है। यूरोप दे विच एक कार ड्राइवर ने अपनी कार नूं एक कुत्ते दे विच मारिया सी। उस तों बाद यह ड्राइवर अपनी कार नूं उत्थे ही पार्क करके कितें काम करन लई चलिया गया, पर जदों यह ड्राइवर वापस आउंदा है तां इसने आके देखिया कि इसकी कार की हालत बहुत ज़्यादा खराब सी। पर जदों यह ड्राइवर ने सीसीटीवी नूं देखिया तां यह हैरान रह गया। उसने देखिया कि उसके जाण तों बाद उही कुत्ता जिस दे विच इसने कार मारी सी उह कुछ होर कुत्तियां नूं जाने के अपने दोस्तों नूं लैके आया ते उन्होंने सारिया ने इकट्ठे होकर उसकी यह सारी कार की हालत खराब कर दिती। इन्हां सारे कुत्तियां ने कार के वाइपर विंडशील्ड ते साइड ग्लासां नूं मूंह दे नाल तोड़ दिता। उन्होंने कार के उपर टॉयलेट तक भी की उस इंसान तो बदला लैण दे लई। जेकर तुसी भी पतला होना चाहते हो जां अपने आप नूं फिट करना चाहते हो तो जॉगिंग दे नालों चंगा है कि तुसी अपने घर दीआं पौड़ियां चढ़ो ते उतरो। इस तरह करन दे नाल तुसी कैलरीज भी ज़्यादा वर्न करते हो ते तुहाडे गोडे ते कमर के उपर प्रैशर भी बनता है, जिन्हां दे नाल उह भी तुहाडे ठीक रहिंदे ने। जेकर किसी इंसान की फ्लाइट के दौरान जाने के जहाज के मौत हो जाती है तो तुम भी उस फ्लाइट के हो तो तुम्हें पता तक भी नहीं लगेगा कि उस फ्लाइट के कोई मर गया है, क्योंकि कैबिन क्रू को ट्रेनिंग ही इस तरह दी जाती है। जो उन्हें पता लग जाता है कि फ्लाइट के कोई मर गया है तो बिल्कुल शांत ही रहते हैं। जिस सीट के उपर कोई पसेंजर मर जाता है तो कैबिन क्रू इन्ना ट्रेंड हों कि उसकी नाल वाली सीट वाले भी वह पता नहीं लगन देते कि तुहाडे नाल बैठा इंसान मर चुका है। हो सके तो वह नाल वाले पसेंजर की सीट को जरूर चेंज कर देंगे। जिन्ना हो सके चीज नूं गुप्त रखा जाता है ताकि जहाज के बैठे यात्रियों के किसी भी तरह की कोई घबराहट ना पैदा हो जाए। की तुहानूं पता है कि तुहाडे पेशाब दे नाल भी फोन चार्ज हो सकता है? यह साइंटिस्ट पेशाब दे नाल ही फोन चार्ज कर रहे हैं। यह पेशाब दे विच कोई अजिहा कैमिकल पाउंदे ने जिस दे नाल पेशाब दे विच मौजूद अमूनो एसिड एक तरह की एनर्जी पैदा करता है जिस दे नाल फोन चार्ज हुंदा है, पर यह जिहड़ा सारा प्रोसैस है बिजली नालों कितें ज़्यादा महंगा है। फ्रांस के 14 साल के बच्चे भी कार चला सकते हैं, पर यह कार कोई साधारण कार नहीं होंगी। एक VSPI कार होंगी है जिड़ी कि बहुत ज्यादा छोटी होंगी है। इसकी स्पीड एक जगह से फिक्स होंगी है, उस तो ज्यादा तेज यह कार नहीं चल सकती। इस करके 14 साल के बच्चे भी फ्रांस के कार को चला सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल यह एक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत वधिया चीज है। की तुहानू पता है कि ग्रेट वाल ऑफ चाइना जाने के चाइना की दीवार को बनाते समय 4 लाख तो वध लोगों की जान चली गई सी, ते ए भी मन्या जाता है कि उन्हां सारे लोगों को इस दीवार के अंदर ही दफना दिता गया सी। भाव कि जिन्नी इस दीवार के अंदर पत्थर ते सीमेंट की वरतों की गई है उन्नी ज़्यादा वरतों ही इंसानी पिंजरों की भी इस दीवार के अंदर हुई है। हालांकि इस चीज़ का कोई ठोस सबूत नहीं है, पर मन्या जाता है कि इस दीवार को बहुत छेती जाने के तेजी के बनाया गया सी। इसलिए मरे हुए लोगों को दफनाउण दा उन्हां दे कोल समां नहीं सी ते मरे हुए सारे लोग इस दीवार के ही चिण दिते गए सन। एक घोड़ियां दा एक कमाल दा फैक्ट है, तुसी ए चीज़ नूं नोट करना कि जेकर घोड़ियां दा एक ग्रुप होवेगा वह बाकी जानवरां दी तरह इकट्ठे नहीं सौणगे, बल्कि यह घोड़े बारी बारी दे नाल सौणगे ते जिहड़े घोड़े जाग रहे हुंदे ने वह उन्ना टाइम पहरेदारी करदे ने। असी अपनियां दोनों अखां दे नाल एक ही समय एक ही पासे नूं देख सकते हाँ। उत्थे ही जिहड़ा कमेलियन हुंदा है वह 360 डिग्री से अपनियां दोवें अखां नूं घुमा सकता है ते उस दीआं अखां हर एक डायरेक्शन जां कहीए हर एक दिशा वल घुम सकदियां ने। इत्थे कमाल दी गल इह है कि इह अपनियां दोवें अखां नूं इकट्ठियां ही अलग अलग दिशा वल घुमा सकता है।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਅਲਕੋਬਾਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੋਟੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਈਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਕਸ ਫੋਨ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਐਮ ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੈਕਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਕਸ ਫੋਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 94 ਹੀ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਥ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।